वर्धा में एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा अपने ही विभाग की एक एएसआई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बद से आरोपी फरार है। रेप पीड़ित महिला एएसआई ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। हालांकि पीड़िता के पास लगाए गए आरोपों को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। रेप पीड़िता महिला एएसआई ने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोपी एएसआई को पैसे लेकर मदद करने का आरोप लगाया है। लेकिन पिछले एक साल से रेप होने का आरोप लगाने वाली एक पढ़ी लिखी और सक्षम महिला अधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने पर भी एक सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। उनके द्वारा मीडिया के सामने अपने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए जाने के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दिनांक 31/1/2019 में मैंने उमेश रघुवंशी के संबंध बलात्कार संबंधी रिपोर्ट थाना हरदा में की थी, जिसका आरोपी हम जब आवेदन लिख रहे थे सामने खड़ा हुआ था। एसडीओपी मालवी ऑफिस में बैठा हुआ था, थाने में ऑफिस में ही बैठा हुआ था, जिसके द्वारा ना ही किसी प्रकार की उसे पकड़ा गया, ना थाने के स्टाफ द्वारा उसे पकड़ा गया। आरोपी से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं व उसे फरार किया जा रहा है। मेरे द्वारा लिखे गए आवेदन पत्र में आरोपिया का नाम हटा दिया गया। मेरे द्वारा एफआईआर में धाराओं का पूरी धाराएं नहीं लगाई गई है और मुझसे कहा जा रहा है कि बाद में धाराएं बढ़ा दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उमेश रघुवंशी से पैसे लिए जा रहे हैं। उमेश रघुवंशी का घर थाने के पीछे होने के बावजूद भी उसे नहीं पकड़ा गया। मेरे रिपोर्ट करते समय वो दो बार थाने में आया, अधिकारियों से बात करके गया है, उसके बाद भी उसे पकड़ा नहीं गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी की मदद की जा रही है, मेरे साथ न्याय नहीं किया जा रहा। सर, हरदा थाना में एक महिला एएसआई द्वारा रेप का रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पैसा लेकर जो है जो आरोपी उनको यहां से भगाने में सहायता कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? ये कहना गलत है सर। उनका कहना है कि जब रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी माँ के साथ थाने आई थी, उस दौरान जो है जो आरोपी दो बार थाने में आया था और उनसे लड़ाई भी की थी, जब फिर भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, इनका विवाद चूँकि पूर्व में भी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इनका विवाद हो रहा है और विवाद हुआ है, लेकिन चूँकि कोई रिपोर्ट पूर्व में भी नहीं कराई गई थी और जब रिपोर्ट कराई गई है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसने उसकी तलाश के लिए उसके जो सामान्य निवास स्थान है, जो उसके पैतृक गांव है, उन सब स्थानों पे दबिश दी है, बट वो फरार है वहाँ से। और उस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस ने जो है वो मेरी ओर से जो है मतलब 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी उसको गिरफ्तार करवाया गया, गिरफ्तार करवाने की सूचना देगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो उसकी उसको सस्पेंड भी किया गया है और उसको सस्पेंड करने के साथ साथ जो है उस केस में विवेचना के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उसकी जांच के लिए, प्राथमिक जांच के लिए एडिशनल स्पीकर को भी निर्देशित किया गया है।